तो हेलो दोस्तों, फिर से एक नया वीडियो में आप सभी को स्वागत करता हूँ। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कैसे आप लोग प्रोफाइल टैगिंग ऑप्शन को ऑफ कर सकते हो। सिंपली आपको किसी भी फ्रेंड ने टैग किया है तो सिंपली उस पोस्ट को क्या होता है, आपका प्रोफाइल में शो हो जाता है। तो सिंपली ये मेरा प्रोफाइल है, तो सिंपली इस प्रोफाइल में आपको किसी भी जगह पे किसी भी टैग किया हुआ पोस्ट यहाँ पर नहीं शो होगा। तो सिंपली यहाँ पर मैं नोटिफिकेशन में जाऊँगा और यहाँ पर मैं दिखाऊंगा बहुत सारे फ्रेंड्स ने मेरे को टैग किया है। तो सिंपली यहाँ पर आऊँगा इस पोस्ट में, तो सिंपली देख सकते हो यहाँ पर सिंपली मेरे को टैग किया है यह वाला पोस्ट ने, ठीक है। तो सिंपली इस पोस्ट को मैं चाहता हूँ तो सिंपली ऐड टू प्रोफाइल, तो सिंपली यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ऐड टू प्रोफाइल करूँगा, तो सिंपली मेरा प्रोफाइल में क्या होगा, ये पोस्ट ऐड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं ऐड नहीं करना चाहता हूँ। कितने सारे प्रोफाइल मतलब कितने सारे मतलब फ्रेंड्स ने मेरे को टैग किया है यहाँ पर देख सकते हो, या मेरा सिंपली यहाँ पर बहुत सारे बंदे ने मेरे को टैग किया है। तो सिंपली इस पोस्ट को मैं चाहता हूँ तो सिंपली यहाँ पर ऐड टू प्रोफाइल करके मेरा प्रोफाइल में ऐड कर सकता हूँ। लेकिन यह प्रोफाइल में मेरा शो नहीं होगा, मैं जब तक इसको परमिशन नहीं दूंगा मेरा प्रोफाइल में शो होने का, तब तक यह प्रोफाइल में शो नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपली मैं दूसरे बंदे का प्रोफाइल में जाऊंगा, यहाँ पर फ्रेंड ऑप्शन में जाऊंगा, तो सिंपली यहाँ पे आकर के फ्रेंड को किसी भी एक रैंडम प्रोफाइल को चूज करूंगा और वहाँ पे जाकर के मैं दिखाऊंगा। तो सिंपली यहाँ पर बहुत देख सकते हैं, यहाँ पर इस एक प्रोफाइल मैंने यहाँ पर चूज कर लिया। तो सिंपली इस प्रोफाइल का नाम देख सकते हैं तपोस घोष। तो सिंपली इस प्रोफाइल को मैंने स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पर क्या हुआ है, बनश्री मंडल। तो सिंपली इसने इसका प्रोफाइल में क्या हुआ, पोस्ट क्या है, इसको टैग किया, इसके वजह से इसका पोस्ट इसका प्रोफाइल में शो हो रहा है। तो यहाँ पर और भी देख सकते हैं, श्रेया सरकार, तो सिंपली इसने भी इसका प्रोफाइल में पोस्ट किया है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ने इसका प्रोफाइल में पोस्ट किया है, इसका पोस्ट यहाँ पर नजर ही नहीं आ रहा है। तो सिंपली देख सकते हैं कितने मतलब ग्रुप भी इसको टैग किया है, तो सिंपली ग्रुप का पोस्ट भी यहाँ पर आ गया है। तो सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं कितने सारे फ्रेंड्स ने इसको टैग किया है और सारे पोस्ट इसका प्रोफाइल में शो रहे हैं। तो सिंपली इस चीज को कैसे आप स्टॉप कर सकते हैं, कैसे आप ऑफ कर सकते हैं, और आप चाहते हो तो किसी का पोस्ट आपका प्रोफाइल में टैग किया हुआ पोस्ट को आपका प्रोफाइल में शो करना, तो आप मैनुअली उसको रिव्यू करके पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इस चीज को आप ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को कैसे ऑफ किया जाता है इसके रिगार्डिंग आज इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, फ्यूचर में ऐसा ही वीडियो देखने के लिए। तो चलिए जान लेते हैं कैसे इस चीज़ को ऑफ किया जाता है। सिंपली इस प्रोफाइल टैगिंग पोस्ट को ऑफ करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर मेनू आइकन में क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पर जाना पड़ेगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जैसे ही आओगे तो सिंपली यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल करने के बाद सिंपली यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देता है प्रोफाइल एंड टैगिंग। तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करना पड़ता है, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे तो सिंपली आपको टैगिंग वाले ऑप्शन में आना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पर पहले वाला जो ऑप्शन है, हु कैन सी पोस्ट दैट योर टैग इन ऑन योर प्रोफाइल। तो सिंपली यहाँ पर देख सकते हो, इसको ओनली मी करना पड़ेगा, इसको मैं ओनली मी पहले से करके रखा है। अगर आपको यहाँ पर एवरीवन है, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स है तो सिंपली इस चीज़ को ऑफ करके यहाँ पर ओनली मी कर लेना है, ठीक है। इस चीज़ को ओनली मी करोगे उसके बाद सेकेंड वाला ऑप्शन को फ्रेंड्स रख सकते हो, ठीक है। वेन यू आर टैग इन पोस्ट, हु डू यू वॉन्ट एड ऑडियंस ऑफ द पोस्ट, दे आर कैंट ऑलरेडी सी इट। तो सिंपली इसको इस चीज़ को आप फ्रेंड ही कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रिव्यूइंग, अगर आप जो पोस्ट आपका प्रोफाइल में ऐड करना चाहते हो तो सिंपली इस चीज़ को आपको ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर रिव्यूइंग वाले जो ऑप्शन है, इस चीज़ को आपको ऑन करना पड़ेगा। रिव्यू टैग दैट वी विल ऐड टू योर पोस्ट बिफोर दी टैग्स अपीयर ऑन फेसबुक। तो सिंपली इस यहाँ पर आपको किसी भी फ्रेंड्स ने टैग किया है तो सिंपली उस पोस्ट को आप देख करके रिव्यू करके उस पोस्ट को आपका प्रोफाइल में ऐड कर सकते हो। मैं पहले भी उसको दिखा दिया है कैसे ऐड करना है, ठीक है। नोटिफिकेशन में टैग वाले ऑप्शन में जैसे क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको ऑप्शन दे देता है ऐड टू पोस्ट, आपका प्रोफाइल में पोस्ट करने का वहाँ पर ऑप्शन दे देता है, ठीक है। उसके बाद इसको भी आपको ऑन कर सकते हो, रिव्यू पोस्ट that you are tagged in before post appear on your profile। तो simply इस दो चीज़ को, अगर ये चीज़ आपका फ़ोन में ऑफ है तो simply इसको भी ऑन करके रखो तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो simply आपको और भी कुछ ऑन करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये तीन चीज़ ऑन ऑफ कर दोगे तो simply आपका प्रोफाइल में यहाँ पर देख सकते हो किसी भी फ्रेंड ने आपको टैग करेगा तो simply उस पोस्ट यहाँ पर नहीं शो होगा। तो simply यहाँ पर मेरा पोस्ट ही यहाँ पर नजर आएगा। तो simply यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर नोटिफिकेशन में जाऊँगा, नोटिफिकेशन में आने के बाद simply यहाँ पर बहुत सारे फ्रेंड्स ने मेरे को टैग किया है, यहाँ पर देख सकते हो इसने भी मेरे को टैग किया है बहुत दिन पहले। तो simply यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से बहुत सारे फ्रेंड्स ने मेरे को टैग किया है, लेकिन मैं उसका प्रोफाइल मतलब इस पोस्ट को रिव्यू करके देख करके यहाँ पर ऐड टू प्रोफाइल में जैसे ही क्लिक करूँगा तो सिंपली इस
पोस्ट मेरा प्रोफाइल में क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो सिंपली ऐड मैं नहीं करना चाहता हूँ, अगर ऐड करना चाहता हूँ किसी भी इंपॉर्टेंट पोस्ट को तो सिंपली मैं ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा किसी भी पोस्ट को मेरा प्रोफाइल में ऐड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी फ्रेंड मेरा को टैग करेगा तो सिंपली मेरा परमिशन के बिना वो मेरा प्रोफाइल में कुछ भी पोस्ट नहीं कर सकते, कुछ भी पोस्ट शेयर भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपली उस चीज़ को यहाँ पर सेटिंग्स में जाकर के ऑफ करके रख दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो को कैसा लगा नीचे कमेंट करके बता सकते हो। आशा करता हूँ इस वीडियो को पसंद आया होगा। इस वीडियो को पसंद आया तो लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए और चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फ्यूचर में ऐसा ही वीडियो देखने के लिए तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं कोई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।